हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ढाबा स्टाइल की दाल फ्राई की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है एक कप यहाँ तुअर यानी अरहर की दाल और एक चौथाई कप मैंने मूंग दाल ली है। मूंग दाल लेना पूरा ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब दोनों दालों को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। अगर वजन से बोलूँ तो यहाँ तुअर की दाल मैंने लगभग 250 ग्राम के करीब ली है। दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम इसे बॉईल करते हैं। तो मैंने गैस पे चढ़ाया है एक प्रेशर कुकर, अभी गैस की फ्लेम ऑफ है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 ग्लास पानी। अभी हम सिर्फ दाल को बॉईल करने जितना ही पानी डालेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। इसे भी अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब मैं गैस की फ्लेम ऑन कर रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ बूंदे ऑयल की। ऑयल डालने से दाल बॉईल होते टाइम कुकर से बाहर नहीं आएगी। अब इसे हमें 4 सीटी आने तक पकाना होगा। दाल हमारी बॉईल हो गई है, तो इसे चेक कर लेते हैं। देखिए दाल हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है, तो अभी इसे साइड पे रख देते हैं और इसके लिए बनाते हैं हम बेहतरीन तड़का। यहाँ तड़के के लिए मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच के करीब घी, आप चाहे तो रिफाइंड तेल ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच हींग और 1 छोटा चम्मच मैं इसमें साबुत जीरा डाल रही हूँ। यहाँ तड़के के लिए मैंने लिया है कुछ हरी मिर्च चॉप की हुई, हरा धनिया, थोड़ा लहसुन जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था और अदरक को मैंने ग्रेट किया था, आप चाहे तो बारीक कट कर ले, और 2 प्याज मैंने लिए हैं जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया था। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ अदरक। इन दोनों चीजों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 सूखी लाल मिर्च, ये मुझे पहले ही डालनी थी पर मैं भूल गई थी, तो आप इसे जीरे के साथ ही डालिएगा। यहाँ अदरक लहसुन फ्राई हो गया है हल्का, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च और प्याज, इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए यहाँ प्याज भी हमारा फ्राई हो गया है, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। अब इसी के साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि दाल बॉईल होते टाइम भी हमने हल्दी डाली थी। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच मैं यहाँ धनिया पाउडर डाल रही हूँ और नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे क्योंकि दाल में भी नमक है। इन सभी चीज़ों को हम हल्का सा कुक कर लेंगे ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। तो तड़का हमारा यहाँ पूरा रेडी है। अब इसमें मैं बॉईल की हुई दाल को डाल देती हूँ और कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी मैंने इसी में डाल दिया। तड़के को अच्छे से दाल के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें एक उबाल आने तक ही पकाना है बस। दाल की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से ही रखिएगा। तो दाल हमारी यहाँ पूरी रेडी हो गई है, इसे मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। इसके लिए मैं बनाऊंगी अब एक सेकेंड तड़का। यहाँ मैंने 1 चम्मच घी गरम किया है। ये सेकेंड तड़का पूरा ऑप्शनल है, पर इसे लगाने से दाल का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ और जो हमने धनिया काट के रखा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, जस्ट हल्का सा फ्राई करना है। तो यहाँ तड़का हमारा रेडी हो गया है, इसे हम डायरेक्टली अपनी दाल के ऊपर डालेंगे। इसे हमारी दाल देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी और खाने में तो इसका टेस्ट एनहेंस हो ही जाएगा। तो लीजिए यहाँ हमारी दाल फ्राई एकदम रेडी है। इसे आप रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए या पराठे के साथ।
आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें और एंजॉय करें।